ठीक है, तो ये हमारा फ्रोस्टी काफी इंपॉर्टेंट है, आता भी है ये। उसके बाद बस यही है, चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रॉस्ट हीव। चलो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। रेमेडीज टू कंट्रोल फ्रॉस्ट हीव, हमने फ्रॉस्ट हीव होने नहीं देना, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। नंबर वन, इंस्टॉलिंग प्रॉपर सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, मतलब हम वहां पर नालियां बनाएंगे, कौन सी, सरफेस वाली भी और सब सरफेस वाली भी। क्यों, वहां से हमने वाटर निकालना है, वाटर रह गया वहां पर तो क्या होगा, जैसे ही सर्दी आएंगी वो जमेगा, जमेगा तो क्या हो जाएगा, फ्रॉस्ट हीव होगी वहां पर। तो हमें वहां पर क्या करना है, वाटर रहने ही नहीं देना है। तो इंस्टॉलिंग प्रॉपर सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम टू लोअर द ग्राउंड वाटर, जिससे ग्राउंड वाटर आपका क्या हो जाए, लोअर हो जाए ना, तो उसमें फिर क्या नहीं होगा, कैपिलरी राइज भी नहीं होगा। लोअर द ग्राउंड वाटर बिलो टू रीच द कैपिलरी एक्शन, जिससे क्या नहीं होगा, कैपिलरी एक्शन भी नहीं होगा। रिप्लेसिंग द सोयल सब्जेक्टेड टू कैपिलरी एक्शन, जो सोयल में कैपिलरी एक्शन हो रहा है हम उसको रिप्लेस कर देंगे विद अ ग्रेनुलर नॉन कैपिलरी मटेरियल बिलो द फ्रॉस्ट लाइन। जिस सॉइल में कैपिलरी वाटर राइज करता है उसको हम वहां से हटा देंगे और ऐसा मटेरियल वहां पर डालेंगे जिसमें कैपिलरी वाटर राइज नहीं करेगा। कैसा, ग्रेनुलर मटेरियल। तीसरा, सॉइल स्टेबलाइज कर देंगे वहां पर, मतलब सॉइल स्टेबलाइज करी तो उसका मतलब क्या है, वो कुछ हद तक क्या हो जाएगी, इम्परमेबल हो जाएगी। इम्परमेबल मतलब वाटर उसमें परमिट ही नहीं कर पाएगा। चौथा, एडिंग एडिटिव्स लाइक सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इन सब सबग्रेड, सोइल सबग्रेड। सोइल सबग्रेड है जो हमारा सबसे नीचे वाली जो सरफेस है उसमें हम सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को मिक्स कर देंगे, विच लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोइल वाटर। जो सोइल वाटर है हमारा उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या कर देगा, और लोअर कर देगा। मतलब वहां पर अगर टेम्परेचर 5 डिग्री तक जा रहा है तो अगर हम उसमें ये वाले दो साल्ट मिला दें, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, तो अब ये जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था ये माइनस सपोज करो 15 डिग्री तक चला जाएगा, और वहां तक सपोज करो वहां पर टेम्परेचर जाता ही नहीं होगा, तो मतलब वहां पर जो सोइल वाटर है वो फ्रीज होगा ही नहीं। तो हमने क्या किया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम कर दिया। ठीक है, एंड टेम्परेरी डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ फ्रोस्ट एक्शन, उससे ओवरऑल क्या हो गया, फ्रोस्ट एक्शन की जो इंटेंसिटी है वो कम हो गई। प्रोवाइडिंग कैपिलरी कट आउट कट ऑफ और एन इम्परवियस सील सच एज मास्टिक एस्फाल्टिक मेम्ब्रेन टू कट ऑफ द फ्लो ऑफ कैपिलरी वाटर, वही चीज है, नीचे से कैपिलरी वाटर को आने नहीं देना, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इम्परवियस लेयर को डाल देंगे, जिससे क्या नहीं होगा, कैपिलरी वाटर ऊपर राइज नहीं करेगा। तो ये थे हमारे फ्रॉस्ट हीव को हम कैसे रोके, बताओ समझ आया कि नहीं आया, सभी बच्चे यस सर। बताओ। हाँ, तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा था, 6।